वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर चुके थे, तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है जिसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दिस ईयर, मतलब 2021 में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक MCQ आएगा, 2 शॉर्ट आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर कैसे, देखिए होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका, वाटर का और शुगर का। ठीक है, इनिशियली वाटर लिक्विड फॉर्म में और शुगर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जब दोनों को मिक्स कर देंगे उसके बाद जब वो सॉल्यूशन बनेगा तो क्या दोनों का नेचर, देखिए दोनों क्या एक ही फेज में नजर आएगा, दोनों लिक्विफाइड फॉर्म में नजर आएगा मिलने के बाद, मिक्स होने के बाद, है ना। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, हेटरोजीनियस का एग्जांपल, ठीक है वही। एक और सपोज कीजिए, ये क्या है मेरा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम क्या लिए, लिक्विड लिए, एक वाटर लिए और वाटर के अंदर हम सैंड डाल दिए। सैंड, क्या ये दोनों मिक्स होगा, नहीं। यहाँ पे वाटर अलग नजर आएगा, सैंड भी अलग नजर आएगा, ये तो हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया यहाँ। ठीक है, जैसे वाटर और ऑयल ले लीजिए, तो वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होता एक दूसरे से, तो ये भी क्या हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, जनरली इमल्शन भी बोलेंगे, सो हम लोग समय सर्फेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। यहाँ तक सही में आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम किसी के एक के कंपोजिशन को बढ़ा घटा सकते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो सब्सटेंस का भी हो सकता है, दो से ज्यादा सब्सटेंस का भी हो सकता है, जिसमें हम कंपोजिशन किसी भी एक का कंपोजिशन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट सिर्फ कंटेन करता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्ट मतलब एक सॉल्वेंट यूज हुआ वाटर और एक सॉल्यूट यूज हुआ, क्या नाम था उसका, शुगर यूज नाम था, तो क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट यूज होगा, सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक ले रहा बात। अब देखिए एक ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, है ना। एग्जांपल के तौर पे जो हम लोग वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर वाटर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और शुगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वाटर क्या हो गया, वाटर जो हो गया मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और शुगर क्या हो गया मेरा, शुगर हो गया मेरा सॉल्यूट क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एक ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो प्रेजेंट होगा स्मॉल अमाउंट में उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, अब देखिए अब समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या, अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन का पूरा मास। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इसको मान लेते हैं वेट सॉल्वेंट का W1 एंड मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो गया W2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू बन गया मास ऑफ सॉल्वेंट W1 प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का, द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक गिवन वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके अंदर सॉल्यूट सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन बोलेंगे, उस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना। एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए आप 100 ml वाटर लिए हैं, कितना 100 ml वाटर लिए हैं, उस 100 ml वाटर के अंदर आप 100 ml वाटर के अंदर आप 100 ग्राम शुगर डाल दिए। ठीक है, और एक और दूसरे बीकर में आप 100 ml वाटर लिए हैं उसके अंदर आप डाल दिए हैं 50 ग्राम शुगर। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन इसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है, इसमें शुगर का अमाउंट क्या है 50 ग्राम है, इसमें 100 ग्राम है, तो किसमें ज्यादा है, इसमें शुगर का अमाउंट क्या है ज्यादा है,
तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसमें होगा, मतलब सबसे ज्यादा मीठा कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये वाला, क्योंकि इसके 100 ml में 100 ग्राम शुगर डाले हैं, इसके 100 ml में 50 ग्राम शुगर डाले हैं, ठीक है। तो यहीं से कंसेंट्रेशन समझ में आ जाएगा। तो कंसेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन, वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, एक सॉल्यूट का कितना मास एक गिवन वॉल्यूम में, एक गिवन सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का अलग अलग हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग से मोलाइटी हो गया, इस अलग अलग टर्म होगा एक्सप्रेस करने का, मोलाइटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, अलग तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए समझिए, तो डिफरेंट टर्म टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अलग अलग टर्म को यूज करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। पहला हो जाता है परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम, आप लोग इसको मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे क्लास 11 के चैप्टर। पहला होता है परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम, ठीक है, डब्ल्यू बाई वी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है ग्राम पर लीटर, तीसरा होता है नॉर्मैलिटी, फिर आता है मोलैलिटी, मोलैलिटी, उसके बाद आता है परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास, फिर आता है मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी, और फिर आता है मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग सबको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है किस, मतलब कंसेंट्रेशन जो है किसका, कंसेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए सब एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग फॉर्म, ठीक है, अलग अलग तरह से हम लोग सॉल्यूशन या कंसेंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम पहले समझते हैं। देखिए तो परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम क्या है, देखिए ये क्या है, इट इज, ये है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूट का कितना मास 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूट का कितना मास 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग इससे, वो क्या होता है परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मान लीजिए 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है, 12% परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम बोला है ना, 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 12% है एक्वा सॉल्यूशन यूरिया, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, पानी के अंदर यूरिया डाला हुआ, ठीक है, 12% एक्वा सॉल्यूशन है यूरिया का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 12 ग्राम यूरिया है, ठीक है। देखिए क्या मास ऑफ सॉल्यूट 100 ml, सॉल्यूट का मास है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना, 12% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, इसका मतलब परसेंट स्ट्रेंथ में दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, 12% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है यूरिया, 12 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स लिख देते हैं, मीन्स 100 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 100 ml लिखते हैं, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml का सॉल्यूशन जो है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, कितना कंटेन कर रहा है, 12 ग्राम यूरिया, 12 ग्राम यूरिया, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है बात, इस तरह से परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम को इस तरह से, यही मतलब है। 12% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, बोल देगा 30% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ किसी भी एक्वा सॉल्यूशन है किसका, सपोज कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन है NaCl का 14% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब क्या, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 14 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है बात। अब देखिए, अब समझते हैं दूसरा, ग्राम पर लीटर, ठीक है, इसका यूज अभी आगे समझ में आएगा धीरे धीरे, ये तो टर्म को हम लोग यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, ग्राम पर लीटर क्या है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का कितना मास 1000 ml, मतलब 1 लीटर, हम जानते हैं ना 1000 ml का मतलब कितना होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर लीटर, मतलब सॉल्यूट का कितना मास, यही से समझ में आ रहा है, ग्राम पर लीटर इसी से समझ में आ रहा है कि सॉल्यूट का कितना मास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा,
ठीक है, इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसका मतलब एग्जांपल लेटर, तो यहां पे लिख देते हैं हम, इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 liter, और 1 liter of the solution, ठीक है, ये सॉल्यूट का मास है जो 1000 ml या 1 liter सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा अब समझना है, मेंटम आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी मोलैरिटी इसी के टर्म्स में जनरल आता रहता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, मोल ग्राम में नहीं मोल, ठीक है, मोल में बोला गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वहां पे क्या था, वहां पे था मास, मास मतलब किसमें होता, ग्राम में रिप्रेजेंट होगा ना, तो परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम में हम लोग क्या समझे थे अभी थोड़ा देर पहले, तो सॉल्यूट का मास 100 ml में कितना प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है, मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 12 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा, उसके बाद ग्राम पर लीटर समझे, तो ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट का कितना मास, मोलैरिटी है क्या, कितना मोल सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लिख दिया मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मोल सॉल्यूट का 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मोल का, गिवन मास बाय मोलर मास, याद है ना, n w by m से डिनोट करते हैं, m है मोलर मास, n w क्या है जो सॉल्यूशन के अंदर मास हमको दिया होगा, उससे हम लोग मोल निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, ये फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। चलिए अब समझते हैं, देखिए मोलैरिटी तो समझ में आ गया क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मोल सॉल्यूट 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ है, कोई ये इस तरह से लिख दे, कैपिटल एम से डिनोट कर दे, कोई इस तरह से लिख दे 0.5 mHcl, इसका मतलब क्या होता है, ये लैब में आपको बहुत लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एम कैपिटल एम मोलैरिटी को डिनोट करता है, तो क्या मतलब क्या है, इसका मतलब अच्छे समझिएगा, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.5 mol HCl प्रेजेंट है, ठीक है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.5 mol ऑफ NaCl, तो यहाँ पे यही इसका मतलब है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.5 mol, ठीक है, आप मास निकालना चाहिएगा तो क्या कर दिएगा, इसको मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिएगा, HCl का मोलर मास 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो आ जाएगा वेट कितना है इसका, ठीक है, गिवन वेट कितना दिया हुआ है, तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.5 mol HCl ऑफ HCl, ठीक है, इतना हो जाएगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.5 mol HCl, आप वेट निकालना चाहिएगा तो जानते हैं आप मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, अब मोलर मास आपको ऐसे मोल पता है 0.5 है, मास नहीं पता, मोलर मास तो पता है HCl का कितना होता है 35.5 क्लोरीन का, 35.5 होता है क्लोरीन का, हाइड्रोजन का होता है 1, ऐड कीजिएगा तो कितना है 36.5, तो यहाँ पे W पता चल जाएगा, इस 36.5 को इधर भेज देगा तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 0.5 × 36.5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 0.5 × 36.5 का वैल्यू आएगा 18.25, तो मतलब 18.25 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 18.25 ग्राम HCl प्रेजेंट, ठीक है, यही इसका मतलब हुआ, मोल में 0.5 mol ले रहे बात। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं, अब देख और लिखा हुआ है m by
एम बाई ट्वेंटी, एम बाई ट्वेंटी ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री, इसका मतलब क्या है? एम बाई टू ट्वेंटी ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री। देखिए एम तो जानते हैं क्या है, मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एम बाई ट्वेंटी, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। वन बाई ट्वेंटी कितना होता है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन बाई ट्वेंटी जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना है, 1.20 का वैल्यू आता है 0.05। ठीक है, आइए बगल में मोलारिटी है तो कैपिटल एम लिख देंगे ऑफ इस एन ए टू सी ओ थ्री, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बोल सकते हैं क्या मतलब है इसका, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट कितना है, 0.05 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है इसको 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.05 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्लियर है बात, आप इसको वेट भी निकाल सकते हैं, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं मोलारिटी का क्या आता है। अब देखिए सपोज कीजिए लेट, लेट कह लेते हैं लेट VML ऑफ सॉल्यूशन, VML का सॉल्यूशन है पता नहीं कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम उसका, लेट VML ऑफ सॉल्यूशन, VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है N2 मोल ऑफ सॉल्यूट, N2 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का N2 मोल कुछ मोल कंटेन कर रहा होगा VML सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 ml सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं therefore 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना कंटेन करेगा, तो हम लिख देंगे N2/V मोल ऑफ सॉल्यूट, इतना मोल सॉल्यूट कंटेन करेगा, डिवाइड कर देंगे उसको वॉल्यूम को N2/V मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, therefore 1000 ml है ना, मोलारिटी तो 1000 के अंदर निकालते, तो देखिए तो क्या होगा, therefore 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना मोल सॉल्यूट कंटेन करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन N2/V इंटू 1000 N2/V इंटू 1000 मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना कंटेन करेगा, तो देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास है ना, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, बस यहाँ से फॉर्मूला आ गया, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना मोल सॉल्यूट है इनटू मोल सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, और ये क्या होगा, इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे इस तरह से मोलारिटी। ठीक है, बात सही में आ गया। अच्छा, अब N2 का मतलब क्या होता है, गिवन मतलब मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ पे कुछ और ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा किस तरह से, मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इंटू V। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में देते हैं मोलारिटी। क्लियर है बात, अब देखिए इसको हम न्यूमिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया मोलारिटी निकालने का, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, न्यूमिकल करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है वो कैलकुलेट करना है, जब दिया हुआ है 2.45 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डिसॉल्व किया गया 500 ml वाटर के अंदर, मतलब 2.45 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, हमको मोलारिटी फाइंड करना, सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या है। ठीक है, जब तो सॉल्यूट पता है H2SO4, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, W यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या पाया था, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आया था, मोलारिटी इज इक्वल टू अभी हम लोग देखें W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू V, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। ठीक है, W2 था क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो ये है,
H2SO4 इसका कितना मास दिया 2.45। M2 क्या डिनोट करवाया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 का मोलर मास कितना है, ठीक है। तो हम इसको W into 1000 by M into V भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है W, क्या है गिवन मास सॉल्यूट का होगा, मोलर मास सॉल्यूट का होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, W से रिप्रेजेंट करते हैं 2.45 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर मास कितना, अच्छा यहाँ पे लिखिए, हम लिख लेते हैं मोलर मास हाइड्रोजन का होता है मोलर मास 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, याद कर लीजिए। आपको हो सकता है किसी के क्वेश्चन में दे या फिर नहीं भी दे, तो ये सब याद होना चाहिए, याद कर लीजिए। ऑक्सीजन का होता है 16 मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास एच टू एस ओ फोर कितना होगा, तो मोलर मास हो जाएगा कितना, ऐड कर लेंगे, देखिए हाइड्रोजन का कितना एटम है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम का मोलर मास है 1, तो दो हाइड्रोजन आइटम यूज हो रहा है तो क्या करेंगे 1 × 2 कर देंगे। प्लस सल्फर का कितना है, सल्फर 32, एक ही सल्फर आइटम यहाँ पे यूज हुआ है तो 32, प्लस ऑक्सीजन के एक आइटम का मोलर मास है 16, तो चार आइटम यूज हुआ है तो 16 × 4 = 64, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 98, 98, तो ये हो गया मेरा मोलर मास, आ गया 98, ठीक है। यहाँ तक वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम आ गया मेरा, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है, 500 ml, ठीक है। ठीक है, अब मोलैरिटी निकाल देते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू वी, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो 2.45 ग्राम पुट कर देंगे, इंटू मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 98, इंटू वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पे हो गया 500, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अच्छा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 500 से 2y में चला गया 1000, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे मोलर मास यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे ग्राम पर मोल लिख देंगे, ठीक है। 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18 हो गया। अब इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो 2.45 / 49, अब देखिए इस पॉइंट के बाद दो नंबर, तो पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको 5 के टेबल से ले जा रहा होगा, तो 5 × 2 = 0, 20 बार में 100 चला गया, ये कितना बार में गया 5, 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45, ये 49 से ये 49 चला गया तो कितना आ गया 1/20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/20 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो मोलैरिटी में आ जाएगा, मोलैरिटी आएगा आएगा 1/20 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0. अभी हम लोग देख रहे थे 0.05, ये हो गया ब्रैकेट में m मोलैरिटी, तो कितना आ गया 2.45 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व करेंगे 500 ml वाटर के अंदर, तो मोलैरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का 0.05, ठीक है। अच्छा तो यूनिट क्या हो गया यहाँ पे देखिए, इसका तो W का मास क्या था, ग्राम में था ग्राम, और मोलर मास था ग्राम पर मोल में, तो ग्राम से ग्राम कट गया होगा, मोल ऊपर चला गया होगा, इसका मतलब मोलैरिटी 0.05 m, इसका मतलब क्या है, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.05 मोल इसका प्रेजेंट होगा H2SO4 का, प्रेजेंट ले रहा बात यहाँ। चलिए तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डीपीपी में क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस शीट अंदर डाल देंगे हम, डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का कितना मास रिक्वायर्ड है 200 ml ऑफ 0.6 मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मास फाइंड करना है, ठीक है, कितना मास सोडियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.6, वॉल्यूम दिया हुआ है 200, मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का जानते हैं, चलिए फाइंड करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए भाई क्या क्या गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं हम, तो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 200 ml, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है मेरे पास 0.6, ठीक है। अच्छा और मोलर मास तो फाइंड करना होगा, तो देखिए सोडियम का मोलर मास होता है, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल होता है, यूनिट सोडियम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सोडियम 23,
और कार्बन का होता है 16, जो कार्बन का होता है सॉरी 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो मोलर मास फाइंड कर लेंगे इसका, तो एम कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सॉल्यूट है इसका फाइंड करते हैं, तो कितना होगा सोडियम, देखिए सोडियम एटम कितना यूज हुआ है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, दो यूज हुआ है, तो 23 इंटू एक सोडियम एटम का मोलर मास है 23 ग्राम पर मोल, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन एक एटम यूज हुआ है तो 12, प्लस ऑक्सीजन का तीन एटम यूज हुआ है, एक एटम का 16, तो 16 3 48, 16 3 48, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले इस तरह से, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 3 6, 2 2 4, प्लस 12, प्लस 48, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा इक्वल टू 106 ग्राम पर मोल, ये आ गया मेरा मोलर मास किसका, सोडियम कार्बोनेट। चलिए हम लोग को फाइंड करना है गिवन मास, मतलब डब्ल्यू का जो निकालना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम इंटू वॉल्यूम, कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलैरिटी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, मोलैरिटी देखिए 0.6 यहाँ पे पुट कर दिए, डब्ल्यू फाइंड करना है, डब्ल्यू तो पता नहीं, डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, मोलर मास पता 106 इंटू वी का वैल्यू भी पता है कितना है, वी का वैल्यू है 200, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 200, 200 से 5 बाय में चला गया 1000, ठीक है। और इसको अब आगे पीछे करेंगे, मतलब ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये 5 आएगा नीचे, तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू मास को लिख सकते हैं कितना होगा 0.6 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, तो कितना आ गया 6 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको कैलकुलेटर के अंदर डाल के आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा 6 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 50, 50 कीजिएगा तो आएगा 12.72, कितना आएगा 12.72, 6 इंटू एक बार चेक कर लेते हैं, 106 डिवाइडेड बाई 50 अगर 12.72, मतलब कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड है, इतना ml, 200 ml ऑफ 0.6 मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो 12.72 ग्राम, 12.72 ग्राम यहाँ पर लिख देते हैं इसको अच्छे से, 12.72 ग्राम, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 12.72 ग्राम, इतना रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 12.72 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, कितना सॉरी 12.72 ग्राम रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ से मोल में कितना है, तो 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.6 मोल सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है, बात ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग नया समझते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी समझते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये होता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट पहले मोल कंसेप्ट में क्लास 11 में, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, जिन्होंने क्या गिवन मास, जो मास दिया हुआ होगा मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय जो मास दिया हुआ होगा डिवाइडेड बाय, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना इक्विवेलेंट वेट से, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट से, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट एसिड बेस सॉल्ट किस तरह से सबका निकालते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट एसिड का किस तरह से निकालते हैं वो जान लीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट निकालते हैं मोलर मास
ठीक है, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का होगा H2SO4 हो गया तो उसका मोलर मास हम लोग को पता है, और उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एच प्लस आयन कितना एसिड के लिए, तो इसको लिए नंबर ऑफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एच प्लस आयन वो एसिड कितना दे रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ, उससे हम लोग इक्विवेलेंट वेट एसिड का पता चलेगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। और नंबर ऑफ एच प्लस आयन क्या बताता है, जनरली क्या बताता है, बेसिसिटी बताता है, क्या बताता है, बेसिसिटी, ठीक है। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट एसिड का किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये हो गया बेस का, यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, किस तरह से निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन कितना दे रहा है, जो क्या डिनोट करेगा एसिडिटी, ठीक है यहाँ तक बात। अब देखिए और सॉरी यहाँ पे तो बेस होगा ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एसिड लिख दिया हम, बेस होगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस किस तरह से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन, ठीक है, क्या डिनोट करेगा एसिडिटी, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का किस तरह से डिनोट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कटायन, कटायन कितना है, नंबर ऑफ कटायन इनटू उसका चार्ज कितना है, इनटू चार्ज, उसका चार्ज जितना होगा उसके चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू इट्स चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ कटायन, कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे कि Na प्लस हो गया, Ca2 प्लस, ये सब क्या है, कटायन है ना। चलिए अब देखिए हम लोग सबके ऊपर एग्जांपल लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, चलिए हम लोग पहले इक्विवेलेंट वेट, चलिए हम लोग इक्विवेलेंट एसिड का निकालते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं पहले एसिड के लिए, देखिए क्या है क्वेश्चन है, ये H2SO4 का निकालना है हमको, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 कितना देगा, ये 2H प्लस आयन देगा, 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे इसका, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा कितना, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, तो मोलर मास होता है H2SO4 का 98 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये एसिड है तो नंबर ऑफ एच प्लस आयन कितना देगा, ये 2 दे रहा है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 4 8, 2 9 18, मतलब 49 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसका, H2SO4 का। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड है HNO3 का, उसका किस तरह से निकालेंगे, तो ये ब्रेक डाउन होगा कुछ इस तरह से, किस तरह से, देखिए एच प्लस प्लस NO3 माइनस, इक्विवेलेंट वेट होता है नाइट्रिक एसिड का कितना होता है 63, और देखिए H प्लस आयन कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इसका कितना होगा इक्विवेलेंट वेट 63 हो गया, ठीक है। उसी तरह से बेस का निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट बेस का किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बेस का लेते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं पहला, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से देगा ये आयन, मतलब Ca2 प्लस देगा ये, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट इसका किस तरह से निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, इसका निकाल लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन का कितना आइटम है, 2 आइटम जो है, तो 16 टू 32 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का भी 2 आइटम हो लेना, तो यहाँ पे 2 तो ऐड कर लेंगे, तो 40 या 30 हो जाएगा 70 72, और यहाँ पे आ जाएगा 74, यहाँ पे लिख देंगे 74 डिवाइडेड बाय बेस है तो OH माइनस आयन कितना है 2 पीस है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 14, तो 37 इक्विवेलेंट वेट आ गया इसका, क्लियर है बात। चलिए अब एक और का देख लेते हैं, हम एक और बेस का ले लेते हैं, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, तो देखिए यहाँ पे Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है इसका 78, इक्विवेलेंट अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 78 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 3 2 6 3 6 18, मतलब 26 हो गया इक्विवेलेंट वेट किसका, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए OH माइनस आयन कितना था 3 पीस, तो 3 से डिवाइड कर दी। अब सॉल्ट का देखते हैं हम, तो इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का किस तरह से निकालेंगे,
ठीक है, तो सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट ले लेते हैं पहले, Na2CO3। ये किस तरह से टूटेगा, तो देखिए आयन में, तो ये होगा 2Na+ + CO3 2-। इसका इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे, देखिए सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम का अभी हम लोग निकाले थे ना क्वेश्चन, आईटी का क्वेश्चन के तो निकाले थे, सोडियम का मोलर मास होता है कितना, 23 होता है, 23 दो एटम यूज हो रहा है, तो 23 × 2 कितना हो जाएगा 46 है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे 46 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस O3 का कितना होता है 16, 16 3 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 का ऑक्सीजन का कितना एटम यूज हो रहा है, 3 एटम यूज हो रहा है, तो 16 3 48 तो आ जाएगा कितना 106। यहाँ पे लिख देंगे 106 मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय कटायन, सॉल्ट है तो दिखना है किसको, क्या दिखना है कटायन, कटायन कितना, नंबर ऑफ कटायन कितना, कटायन है Na प्लस कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है प्लस, मतलब एक चार्ज है, ठीक है, तो 2 × 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 106 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2 × 5 = 3, मतलब इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट का कितना आ गया 53। यहाँ पे लिख देंगे 53। क्लियर है बात, एक और सॉल्ट का हम लोग देख लेते हैं, देखिए तो एक और सॉल्ट ले लेते हैं अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 का होल ट्वाइस, कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, किस तरह से देखिए, तो 2Al3+ दे रहा है, 2Al3+ प्लस SO4 3 मोल ऑफ SO4 2-। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो E = इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है अल्मोनियम सल्फेट का वो होता है 342 डिवाइडेड बाय, देखिए कितना कटायन है, दो पीस कटायन है ना, 2Al3+ है, दो पीस कटायन है अल्मोनियम, तो 2 अल्मोनियम आयन 2 × आप देखिए चार्ज कितना अल्मोनियम के ऊपर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 342/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 6 × 5 = 30 6 × 5 = 30 बच जाएगा 42, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 × 7 = 42, तो 57 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 57, कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट अल्मोनियम सल्फेट का 57। क्लियर है बात, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाल ले समझ में आ गया, ठीक है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे, तो गिवन मास कितना है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है, वो हो सकता है एसिड बेस या तो सॉल्ट किसी का भी, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता था, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, गिवन मास क्या होता था डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता था, है ना, एन जिसको हम लोग एन से डिनोट, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल को, उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट अगर देखें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो क्या होगा, तो गिवन मास कितना है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट जिसको ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात, तो देखिए अभी आप ये नॉर्मलिटी क्या पढ़े थे, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। फिर से सुनिए, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कोई अगर इस तरह से लिख दे 0.5 N सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका मतलब क्या है, तो देखिए किस तरह से बोलेंगे 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.5 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या मतलब है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml जो है सॉल्यूशन का, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है बात, यहाँ चलिए तो हम लोग नॉर्मलिटी का जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो सपोज कीजिए, चलिए तो देखिए लेट कह लेते हैं हम लोग, लेट VML ऑफ सॉल्यूशन, VML है सॉल्यूशन का, VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका जो फॉर्मूला होता था जो अभी हम लोग देखें क्या था, गिवन मास W बाई इक्विवेलेंट वेट, W बाई है ना, तो मोलैरिटी क्या होता है,
ना मोलर, सॉरी नॉर्मलिटी क्या होता है, तो 1000 ml में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन कितना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VML ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन कर रहा है, तो VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन W/E इक्विवेलेंट कंटेन कर रहा होगा, है ना, W/E इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन कर रहा होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो VML ऑफ सॉल्यूशन W/E इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, देयरफॉर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कैसे लिखेंगे, W/E by V इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इतना इक्विवेलेंट सॉल्यूट कंटेन कर रहा होगा, देयरफॉर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट कंटेन करेगा, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml जो होगा सॉल्यूशन का कितना कंटेन करेगा, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, अब देखिए इस ई को नीचे भेज देंगे तो किस तरह से लिखेंगे, W/E × V, और 1000 के लिए तो क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना 1000 इक्विवेलेंट W/W × 1000/E × V इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन करेगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है बात, देखिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्या आ गया यहाँ पे लिख देते हैं, तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवेन मास W × 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम V, ठीक है, तो W/E क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मलिटी निकल गया, क्लियर है बात। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर, W क्या, यहाँ पर W है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का कितना है इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट करना है और मोलैरिटी भी कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का, जो कंटेन कर रहा है 1.225 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 400 ml वाटर, ठीक है, तो 1.225 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 400 ml वाटर के अंदर कंटेन कर रहा है सॉल्यूशन, उसका नॉर्मलिटी और मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन, देखिए हम लोग को मोलर मास तो पता ही है, तो पहले हम लोग जो डेटा पता है हम लोग को, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम लोग लिख के आए, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होगा, कैपिटल एम मोलर मास होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास वो होता है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 400 ml, ठीक है, गिवेन मास W दिया हुआ है 1.225 ग्राम, ठीक, अच्छा H2SO4 किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, तो देखिए H2SO4 जो टूटेगा, H2SO4 किस तरह टूटेगा, अभी हम लोग देख के आए, 2H+ + SO4 2-, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेते हैं H2SO4 का कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा H2SO4 का वो कितना 98 डिवाइडेड बाय एसिड है तो कितना H+ आयन यूज हुआ है, दो दो से डिवाइड कर देंगे तो 2 4 8 2 9 18, मतलब कितना आ गया 49 आ गया इक्विवेलेंट वेट किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए अब हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, मोलैरिटी पहले मोलैरिटी फिर नॉर्मलिटी निकालते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ के आया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है, तो W गिवन मास सॉल्यूट कितना है 1.225, लिखेंगे 1.225 × 1000 डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास है सॉल्यूट का 98, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोलर मास है तो 98 इनटू वॉल्यूम कितना है 400, यहां पे लिख देंगे 400, सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व कीजिएगा वैल्यू डालिएगा, ऐसा वैल्यू 1.225 × 10 डिवाइडेड बाय 98 × 4, तो हम डालते हैं सॉल्व करते हैं 1.225 आप लोग भी कीजिए इंटू 10 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 98 × 4, फोर ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा मेरा आंसर 0.031, इतना आ गया मोलैरिटी,
0.031, ये आ गया मोलारिटी इसका सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर के अंदर। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखिए 100 ml ऑफ 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.031 मोल प्रेजेंट होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, ये मोलारिटी आ गया। हम नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं, हम लोग नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी का भी आप लोग फॉर्मूला देख के आए, क्या हो गया, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है। डब्ल्यू कितना गिवन है, देखिए वन गिवन मास है 1.225 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49 इंटू वॉल्यूम कितना है, देखिए 400, यहाँ पे 400 पुट कर देंगे, ये जीरो दो जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको फिर आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालिए तो कितना आएगा आंसर 1.225 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 49 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज कितना आएगा वैल्यू, आ गया 0.062, ये आ गया पॉइंट के बाद तीन डिजिट ले लीजिएगा तो 0.062 ये आ गया नॉर्मेलिटी। मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 0.062 इक्विवेलेंट क्या H2SO4 प्रेजेंट हो। क्लियर है बात, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस शीट के अंदर इस तरह क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास, है ना। तो हम लोग परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम सबसे पहला समझ लिए थे, हम लोग कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम समझ लिए थे, है ना। वहां पे क्या था, सपोज की एग्जाम्पल के तौर पर बोल देता है कोई 14% NaCl, 14% ऑफ NaCl, 14% है क्या NaCl सॉल्यूशन, तो मतलब क्या 14 ग्राम NaCl जो होगा वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 14 ग्राम प्रेजेंट होगा। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 14 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास, मतलब मास के रिस्पेक्ट में बोलना है, मतलब द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मतलब इसका परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास का मतलब क्या है, सॉल्यूट का कितना मास 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। वहां पे क्या था, सॉल्यूट का कितना मास 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था, किसमें, परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम में, यहाँ पे परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास, वॉल्यूम में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट, ग्राम में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहां पे वॉल्यूम में, ठीक है, ml के अंदर। ठीक है, यूनिट खाली अलग है। तो देखिए यहाँ पे कोई बोल देता है, सपोज कीजिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया वो 20% कंटेन करता है बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, कंटेन कर रहा है कंटेनिंग 20% बाय मास, 20% बाय मास कंटेन कर रहा है यूरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम यूरिया है ना, इसका मतलब तो यही है। यहाँ पे लिख देंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन क्या कर रहा है, कंटेन 20 ग्राम ऑफ यूरिया, 20 ग्राम यूरिया कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया, तो सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या यूरिया दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या, मतलब मास एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी के अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 80 ग्राम सॉल्वेंट का मास होगा, सॉल्यूट का मास कितना हो गया 20 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से हम लोग समझते हैं इस बात, क्लियर है बात यहाँ। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन क्या था, ये था परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास, वो था परसेंट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम, है ना। ठीक है, सपोज बोलता है कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग
एक्वासेशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 40%, 14%, ठीक है, एक्वासेशन ऑफ यूरिया का वो 14% कंटेन करता है, और इस तरह से ही बोल सकता है 14% एक्वासेशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है? मतलब है 14 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, परसेंटेज 10 बाय वॉल्यूम के अंदर, मास के अंदर। तो एकदम समझ जाना कि वो जिस दिया हुआ रहेगा जिस एक्वासेशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 12% बाय मास, तो मतलब हमको समझ में आ गया, बाय मास से बोला मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम यूरिया है, सॉल्वेंट का मास मतलब पता चल जाएगा, यानी वाटर का मास ऐसे पता चल जाएगा मान सके, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से करना है देखिए, तो ये सब कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, किस किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कंसेंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन और कंसेंट्रेशन को हम लोग किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मोलारिटी नॉर्मलिटी इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस किए, ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास से एक्सप्रेस किए, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस किए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी या मोलारिटी सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, जो 98% बाय मास है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी भी दिया हुआ। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए 98% बाय मास है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सीधा सीधा मास ऑफ सल्फ्यूरिक, मास ऑफ यहाँ पे बोलेंगे मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो मास ऑफ H2SO4 यहाँ पे लिख लेते हैं, मास ऑफ H2SO4 तो पता चल गया, यहाँ पे देखते के साथ पता चल गया कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का मास 98 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो पता है 100 ग्राम, है ना, बाय मास दिया है तो 100 ग्राम। अच्छा अभी हम लोग देखते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास किस तरह से पे जाए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 2 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 2 ग्राम, ठीक है। चल अब देखिए यहाँ पर तो मेन यही दो चीज़ का हमको जरूरत पड़ेगा। अब समझते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकालना होगा हमको, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब V रिप्रेजेंट करेंगे V के फॉर्म में, क्या हो गया, तो मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 पुट कर देंगे, डेंसिटी दिया हुआ है कितना, और डेंसिटी दिया हुआ है हमको 1. डेंसिटी इज इक्वल टू 1.8 ग्राम पर ml, डेंसिटी की जगह पे हम लोग 1.8 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे इसके वैल्यू को 100 डिवाइडेड बाय 1.8, तो वैल्यू आएगा मेरे पास 90 55.56, कितना 55.56 ml आ गया मेरा, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया 55.56, ये मेरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब H2SO4 ये तो आ गया वॉल्यूम सॉल्यूशन का, अब H2SO4 किस तरह से डिसोसिएट होगा, H2SO4 टूटता है कितना 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट 98 मोलर मास 98 होता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+ कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 2 4 8 2 9 18 मतलब 49 आ गया इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का, क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए मोलर मास तो पता है यहां हो गया कैपिटल M मोलर मास, ठीक है, तो मोलर मास नहीं ये तो गिवन मास है, गिवन ये वाला गिवन मास है W है ना, गिवन मास दिया हुआ है मास, तो मोलर मास तो हम लोग जानते हैं, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल एम से किस तरह से डिनोट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा H2SO4 का, देख लीजिए यहाँ पे 2 हो गया प्लस 32 प्लस 16 4 64, तो हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास, ठीक है, बाय मास दिया हुआ है, ठीक है, तो मास और सल्फ्यूरिक एसिड पता है। अब हम मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़ के आए क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, गिवन मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 98 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय
मोलर मास कितना दिया हुआ देखिए, 98 इनटू वॉल्यूम कितना दिखे, तो यहाँ पे देखिए 55.56, 55.56 दे, 98 से 98 कट जाएगा, तो 1000 को 55.56 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 55.56 कहने पे आएगा 17.99, मतलब 18 के आसपास हम लोग यहाँ पे आएगा कितना 17.99, इसको हम लोग 18 डाल देंगे, मान लेंगे 18, तो मोलैरिटी कितना गया 18, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 18 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे हम लोग, नॉर्मेलिटी किस तरह से निकालते हैं फॉर्मूला पता है हम लोग को, नॉर्मेलिटी देखिए जब भी बाय मास दिया हुआ होगा, कंसेंट्रेशन जो दिया हुआ होगा वो बाय मास दिया हुआ होगा, तो हम लोग को पता है बाय मास में तो जानते हैं अभी हम लोग पढ़ के हैं परसेंट स्टेन बाय मास, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट किस तरह से बाय मास परसेंट के हिसाब से पता चल जाएगा कितना दिया हुआ है ना, तो देखिए 98% बाय मास दिया हुआ था तो पता चल गया 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूशन का तो डेंसिटी पता रहेगा, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे कितना होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन के अंदर जब बाय मास दिया हुआ, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम, डब्ल्यू का वैल्यू पता है कितना 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 इंटू वॉल्यूम कितना है 55.56, ठीक है। ये 49 टू जा चला गया, दो बार में चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कह लेते हैं 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर के अंदर डालिएगा तो वैल्यू आएगा 55.56 करके, तो आएगा मेरा वैल्यू 35.99, कितना आएगा वैल्यू आएगा 35.99, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चलेंगे कितना है 36 नॉर्मेलिटी आ गया मेरा, मतलब 1000 ml के 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 36 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होगा, क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम प्रैक्टिस शीट के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रैक्टिस शीट डाल देंगे हम, अब वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसका नोट्स भी आज के लेक्चर का नोट्स भी वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा आज का, समझ में आया अच्छे से पढ़िए इसको, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे मोलालिटी समझेंगे, मोलालिटी क्या होता है, फिर मोल फ्रैक्शन समझेंगे, वेपर प्रेशर समझेंगे, ठीक, रखते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है।